तेरा खेल खत्म। हम समझ रहे हैं जो कुछ भी इन लोगों के बीच में चल रहा है, लेकिन अभी अभी हमें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हासिल करने हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी का डर है, क्योंकि जो इंसान हर वक्त एक मुखौटा पहनकर घूमता है उसका क्या भरोसा वो कब क्या कर दे। इनसे बच के रहना बहुत जरूरी है। हमें कुछ तो करना होगा आपके लिए, पर क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर्ष। जी दादी। बेटा एक मिनट इधर आ। श्वेता तुम चेंज कर लो। हे प्रभु प्लीज हमें हिम्मत दीजिए, हमें इस घर के दुर्योधन का वध करना है। आप ही ने तो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि धर्म की विजय होनी चाहिए। इस घर में मम्मी जी अधर्म के रास्ते पर हैं, और उनको फिर से धर्म के रास्ते पर लाने के लिए हमें साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। बस आप हमें वो सब करने की शक्ति दीजिए जो हमें करना है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। भगवान ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई इशारा दे रहे हैं। इस वक्त सब लोग बिजी हैं, प्लीज हमें माफ कर देना भगवान, लेकिन हमें हर्ष जी के लिए ये करना ही पड़ेगा। सविता बेटा संभल के चलना चाहिए था ना। संभल के ही चल रहे थे, पता नहीं वहां पे क्या गिरा था मंदिर में। ये भगवान वहां तो घी पड़ा हुआ है। इतना सारा घी किसने गिरा दिया यहाँ पर? हम साफ कर देते ना। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ।
जानकी जी को आखिरी बार मंदिर के नजदीक ही देखा था। जानकी जी रहने दीजिए, कोई और साफ कर लेगा। तो हम मम्मी जी के लिए बाम लेकर आते। हाँ बेटा, जल्दी से लेके आ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, किसी ने देखा नहीं, हम बच गए। बस बस बस, कुछ नहीं हुआ मम्मा। ओके, एकदम ठीक, एकदम ठीक। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, एक मिनट डॉक्टर, शिखर देखना एक बार। डॉक्टर आया क्यों नहीं अभी तक? शिखर फोन करना डॉक्टर को, जल्दी से बोला। राम क्यों परेशान हो रहा है बेटा? डॉक्टर अभी आ जाएंगे ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिए से घी गिर गया है बाहर। स्वामी कैसे गिरे हो? कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात। इस छोटे से दिए से इतना घी कैसे गिर सकता है? हे भगवान, हमारी चाबी कहाँ है? मम्मी जी, मम्मी जी आराम से। मॉम, डैड, डॉक्टर आइए प्लीज। हिलिए मत आप। बहुत दर्द हो रही है डॉक्टर। लेटे रहिए, कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है जिसकी वजह से आपको पेन है, बहुत जल्द ठीक हो जाए। विमा ने अलमारी क्यों खोल दी? डॉक्टर साहब, कब से कॉल कर रहा हूँ आपको, क्यों फोन नहीं उठा रहे हो आप? हे भगवान, आज तो आपने हमें बचा लिया। हल्की सी मोच है, मैंने बैंडेज लगा दिया है, जल्दी ठीक हो जाए। जानकी जी कहाँ चली गई? कहाँ थे हम? वो मम्मी जी के लिए बाम लाने गए थे। मम्मी जी कैसी हैं अभी? डॉक्टर ने क्या बोला? छोटी सी मोच है, ठीक हो जाएगी। जानकी, घर के काम करने के लिए आई हो ना, आंखें खोल करके काम करो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो सविता को क्या हुआ है। बस राम, डॉक्टर ने कहा है ना कि मामूली सी मोच ठीक हो जाएगी, तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है? और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जानकी जी, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, दादी एकदम सही बोल रही हैं, पर डैड भी गलत नहीं है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, माम को ज्यादा चोट भी लग सकती थी ना। आपको भी ऐसा ही लगता है, ये हमारी वजह से हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें माफ कर दीजिए। हर्ष बेटा, हमको हमारे कमरे में ले चलो।
में तो लिखा है कि आशी की शादी के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी वाइफ की हो जाएगी। मतलब इसलिए मम्मी जी आशी की शादी श्वेता से करवा रही है ताकि सारी प्रॉपर्टी श्वेता के नाम हो जाए। नहीं पर मम्मी जी ऐसा क्यों करवाना चाहेंगे? आशी कितना प्यार करते हैं मम्मी जी से, कैसे कर सकते हैं मम्मी जी इतना बड़ा धोखा अपने ही बेटे के साथ? इसका मतलब वो हर्षी का भला चाहती नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करें? ये सच हर्षी को कैसे बताएं? घर वालों को कैसे बताएं? कोई यकीन नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा कि हर्षी के लिए मम्मी जी ये सब प्लानिंग कर रही है। हे भगवान, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें मम्मी जी का सच सबके सामने लेकर आना है। तुम्हारी मदद कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, हम क्या करें, हर्षी को कैसे बचाएं? बेटा हम क्या कह रहे थे तुझसे कि क्या बात है बेटा, तू रो रही है? जानती, राम की बात का बुरा लगा ना तुझे, बेटा उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दादी प्लीज आप क्यों बार बार हमसे माफी मांगती? दादी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और हम ठीक है दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में? जी। अच्छा मेरा एक काम करेगी दादी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल करेंगे, बताइए ना क्या काम करना है। ये हमने चंदन घिस के रखा हुआ है, जाके हर्ष को दिया। दादी हम कैसे हर्षी को? मैं जानती हूँ बेटा कि तू हर्ष के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ, इसलिए तुझसे कह रही थी। कोई बात नहीं, हम दिया दादी, हम दे देंगे। और हाँ, आकर के आपके पैरों में मालिश भी कर देते। ध्यान से मम्मी जी, शिखर तकिया। हाँ मैं देती हूँ, आराम से। ये लो, नीचे रखो इसके। अब तुम लोग दोनों जाओ, हम ना सोना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आवाज दीजिए। ठीक है, दवाई लेके आता हूँ आपकी। शिखर मामा, सुनो, ये हमारी चाबी गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ गई। अच्छा जी, बैठो मिल जाएगी चाबियाँ, हम यहीं ढूंढ देते हैं। तुम लोग ढूंढो ना प्लीज, कमरे में ढूंढो, कहीं गिरी नहीं। नहीं मम्मी जी, मुझे तो चाबी यहाँ दिख नहीं रही है। सुनो शिखर, तुम लोग ना पूरे घर में ढूंढो, अलमारी में सब कुछ है, कपड़े गहने पैसे, हमको बहुत टेंशन हो रही है। कौन लेके जाएगा चाबी? मिल जाएगी, टेंशन मत लो। आप टेंशन मत लो, आप आराम करो, हम चाबी देंगे। नहीं, हम भी चलते हैं साथ में। मम्मी जी, नहीं, हम चलेंगे साथ में, हमको बहुत टेंशन। क्यों जिद कर रहे हो मामा? ये दादी ने आपको देने के लिए कहा है? जानकी जी। जी आपसे बात करनी, आइए बैठिए। आपको पता है जानकी जी, मैं आपके ऊपर कितना विश्वास करता हूँ। जी आपने मेरी जान बचाई, आपसे कभी किसी चीज के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है ना, उससे ज्यादा मैं आपकी बात मानता हूँ, ये बात आप जानते हैं। जी क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिल में दिमाग में अगर कोई बात होगी तो आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे, इतना तो मैं आपके लिए हूँ। क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही?
नहीं। अगर हुई भी है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। हे भगवान, अगर मम्मी जी को पता चल गया कि पेपर्स वहां नहीं रखे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें वो पेपर्स हर हालत में वही रखने होंगे। जानकी जी, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हर्षीप जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमें दादी को वो पैरों में मालिश करनी है तो हम जाते हैं। झूठ बोलने के लिए मैं माफ कर दीजिए हर्षी, हम आपको बाद में सही वक्त आने पर सारी बातें सच बता देंगे, जब हमें मम्मी जी पर केवल शक नहीं बल्कि पूरा यकीन होगा। हाँ, चली गई हमारी चाबी। मिल जाएगी मम्मी जी, मैं ढूंढती हूँ, रुको रुको। माँ आराम से। शिखर, पता है वो चाबी हमारी अलमारी की है, वो अगर गायब होगी ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक एक काम कर, तू ना घर के सारे नौकरों को लगा दे चाबी ढूंढने के लिए। ठीक है, बैठो। अच्छा बैठो, रिलैक्स माँ, चाबी मिल जाएगी। कौन ले सकता है चाबी? शायद कल रात को भी कोई कमरे में आया था। शिखर, 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 एक बार ना जानकी को। मम्मी जी, चाबी। अल्ले, बगल में छोरा, शहर भर में ढूंढ रहा। आप यहाँ जब गिरी थी तो शायद वहीं पर गिर गई होगी। मिल गई ना चाबी। हमें वो पेपर वापस उस अलमारी में रखने होंगे। मम्मी जी को पता लग गया तो पता नहीं क्या करेंगी। जानकी जी उस वक्त मंदिर में अकेले क्या करने गई थी? मैं उनकी वजह से तो माँ को चोट नहीं लगी, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? तो मां से प्यार करती हैं। ये श्वेता के हाथ पे जानकी जी के कारण तो नहीं चले? यकीन नहीं होता जानबूझकर वो ऐसा कुछ कर सकती। लेकिन वो क्यों किसी को चोट पहुंचाना चाहती? कहीं श्वेता के हाथ भी जानकी जी के कारण तो नहीं जले? बस जल्दी से ये पेपर वापस रखकर यहां से निकल जाए।
सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।